तो दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा जहाँ पे मैंने आपको AMD Ryzen 4000 और 5000 सीरीज़ के CPUs को समझाया, प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं तो मैंने आपको बताया कि कितनी प्राइस ड्रॉप हुई है और आपको कौन सा लेना चाहिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सा CPU सही रहेगा, किसको CPU लेना चाहिए, किसको APU लेना चाहिए, जिसको GPU नहीं लगाना है उसको क्या करना चाहिए, बाद में लगाना है उसको क्या करना चाहिए, या जिसको कभी नहीं लगाना है उसको क्या करना चाहिए, सारी सिचुएशन वहाँ पर मैंने समझाई। तो ओवरऑल मोटा मोटा उस वीडियो में सिर्फ AMD Ryzen के CPUs को ही कवर किया था। अब आप में से बहुत सारे लोगों के उस वीडियो पे और उसके पहले भी कुछ वीडियोस हैं जिसपे मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिनको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि अगेन एक वीडियो बना के पूरी कहानी समझानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर इंटेल के CPUs का यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं किया, जो कंपैरिजन पूरा किया था ना हमने उसमें इंटेल के जो बजट CPUs हैं जो अभी अवेलेबल है उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो पहले एक लाइन में आंसर है कि वहाँ पे मैं सिर्फ AMD यूजर्स के बारे में बात कर रहा था, या जिसको सिर्फ AMD Ryzen 5000 के साथ जाके अभी सिस्टम बिल्ड करना है तो वहाँ पे मैं AMD के CPUs को कंपेयर कर रहा था 8-9 हज़ार रुपये से लेके 15-16 हज़ार तक जिसका बजट है, मैं सारे को कवर करने की कोशिश कर रहा। अगर हम, मैंने आपकी भी बात सुनी, जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उनकी भी बात सुन के ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूं कि अगर हम इंटेल के जो बजट CPUs अभी अवेलेबल है, जैसे कि किसी ने बोला था 12100F जो कि बजट में सही CPU है, 11400F के बारे में भी किसी ने पूछा था, और 12400F, ये तीन ही CPUs हैं अभी जो इंटेल में बजट सेगमेंट में अवेलेबल है। 13 Gen के 7000 के तो बजट CPUs है नहीं, तो इन CPUs का भी अगर हम कहानी में इंक्लूड करते हैं कंपैरिजन में तो फिर कहानी थोड़ी सी चेंज होती है, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो विद पेशेंस पूरा वीडियो देखिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, तो उस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहला जो CPU मैंने आपको रेकमेंड किया था सबसे कम बजट वाला, वो था ये 8300 में Ryzen 4000 सीरीज़ का 4500 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है, ऑन बोर्ड GPU नहीं मिलता है। तो उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि इस पर्टिकुलर बजट पर इससे बढ़िया CPU अभी कोई नहीं है, और ये बात सच है, ठीक है। इतने पैसों में इससे बढ़िया परफॉर्म करने वाला CPU अभी कोई भी नहीं है, इंटेल AMD दोनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर CPU का कंपैरिजन करते हैं 12100F के साथ, वो भी वो पर्टिकुलर CPU जो 12100F है वो अभी आपको 9-9.5 के बीच में मिल जाता है। तो एग्जैक्टली इसकी जितनी प्राइस नहीं है, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसके साथ कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है इस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है। तो देखो, एक लाइन में मेरा आंसर है, ध्यान से सुन लो। अगर आपको गेमिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है, तो अनडाउटेडली 12100F के साथ जाइए, बहुत अच्छा गेमिंग सिस्टम बनेगा, ठीक है। उसके साथ डेफिनेटली GPU लगाना पड़ेगा, और जो H610 है उस पर्टिकुलर चिपसेट वाला जो मदरबोर्ड होगा ना, 7-7.5 के आसपास मिल जाएगा, उसके साथ जाके बहुत अच्छा गेमिंग सिस्टम बना सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है तो ही उसके साथ जाना। अगर आपको प्रोडक्टिविटी टाइप कुछ वर्क करना है उतने बजट में, उससे भी कम, मतलब वो 9-9.5 मिलता है, ये आपको 8300 मिल जाएगा, तो उससे पैसे कम है, 1000 रुपये कम है, प्रोडक्टिविटी करनी है तो ये CPU अनडाउटेडली बेस्ट है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी और गेमिंग दोनों चीज़ें करनी है तो भी ये बेस्ट है। सिर्फ गेमिंग में 12100F विनर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में ये विनर है, प्रोडक्टिविटी गेमिंग दोनों में ये विनर है, तो इसलिए मैंने इसको रेकमेंड किया था, ठीक है। लेकिन अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ गेमिंग करनी है ना तो उसके साथ जाना, वो भी बहुत अच्छा CPU है, गेमिंग में तो फिनोमिनल परफॉर्म करता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसका इतना ही बजट है, ठीक है। इसके साथ भी B450 वाला कोई भी मदरबोर्ड लगाओ, आपको 6-6.5 या 7 मैक्सिमम मिल जाएगा, बहुत अच्छा सिस्टम बन सकता है। दोनों में ही आपको GPU लगाना पड़ेगा, चाहे 12100F लेते हो या इसके साथ जाते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद जो दूसरा CPU मैंने आपको सजेस्ट किया था वो ये था Ryzen 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU, और इसमें आपको Gen 4 मिलती है, और उसके सेम प्राइस रेंज में आता है ये वाला 5500 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है, लेकिन इसमें आपको Gen 3 मिलती है, तो ये 12 का है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 11400F को इंक्लूड करने के लिए बोला इसके कंपैरिजन में, क्योंकि 12 का है, जो 11400F वो आपको 11.5 से लेके 12 की रेंज में अभी इंडिया में मिल जाता है। अब जो इंटेल के CPUs है ना, अभी Amazon पे सही प्राइस में नहीं मिल रहे, इसलिए मैं आपको प्रोडक्ट पेज इसका खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। अगर मैं Amazon की प्राइस को कंपेयर करूँ ना, तो डेफिनेटली यही विनर होता है जो 5500 है, लेकिन 11400F जो है वो लोकल मार्केट में 11.5 से 12 की रेंज में मिल जाता है, मैंने पता किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आपको 11th Gen में Gen 4 मिलेगी PCI Express की, और इसमें Gen 3 है। तो अगर हम गेमिंग की बात करें, Gen 4 वाला कार्ड अगर आपको लगाना है, ग्राफिक्स कार्ड, तो डेफिनेटली आपको 11400F के साथ जाना चाहिए, उसमें PCI Express की जनरेशन है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, इससे थोड़ा सा पीछे रहता है, कहीं कहीं पे आगे भी है, कहीं कहीं पे पीछे है, मतलब कंपेरेबल है, ये दोनों ही ना 19-20 का परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। तो आपको डेफिनेटली गेमिंग के लिए 11400F के साथ जा सकते हो। अगर प्रोडक्टिविटी करनी है और इतना कोई हैवी GPU नहीं लगाने वाले हो तो आप इसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजों को देखना, अपनी सिचुएशन को देखना, गेमिंग के लिए 11400F विनर है, प्रोडक्टिविटी के लिए मैं इसको विनर रख रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी बोथ की बात करें तो भी 11400F विनर है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो बना के सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ।
अब उसके बाद जो सीपीयू मैंने रेकमेंड किया था वो था 4600G। अब इसका कंपैरिजन बहुत सारे लोगों ने 12100 के साथ किया, जो सिंपल वाला 12100 है ना, जिसमें ऑनबोर्ड जीपीयू मिलता है। तो इसका तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले, एक साल हो गया शायद, ठीक है। 4600G 12100 देख लेना चैनल पर जाके, उसमें मैंने यही कहा था। सेम कहानी है जैसे 4500 और 12100F में मैंने बोला ना, अगर गेमिंग के लिए ले रहे हो ना तो 12100 के साथ जाओ, वो भी बहुत अच्छा सीपीयू है। और प्रोडक्टिविटी के लिए जा रहे हो तो इसके साथ जाना, और गेमिंग प्रोडक्टिविटी बोथ की बात करें तो भी इसके साथ जाना, ये विनर है, ठीक है। तो आई होप कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और ये जो पॉइंट है वो पिछले वीडियो में मैंने इसलिए रेज नहीं किया था क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है पुराने वीडियोस देखने ही होते हैं और एक ही वीडियो में उनको सारे आंसर चाहिए होते हैं, इसलिए अगेन यहाँ पे दोबारा कवर कर रहा हूँ। गेमिंग के लिए 12100, प्रोडक्टिविटी के लिए ये वाला सीपीयू, और गेमिंग प्रोडक्टिविटी बोथ करनी है तो भी ये वाला सीपीयू विनर है, ठीक है। इसमें इसका जो वेगा का 7 कंप्यूट यूनिट है ना, उसका परफॉर्मेंस 12100 का जो ऑनबोर्ड जीपीयू है उससे ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको जेन 3 मिलती है। 12100 के साथ जाते हो तो आपको जेन 5 का भी सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन हायर एंड आपको चिपसेट लगाना पड़ेगा, जो बजट चिपसेट है उसके साथ आपको जेन 4 का सपोर्ट मिलेगा, तो भी वो काफ़ी है जेन 4 के हिसाब से। तो गेमिंग के लिए जेन 4, अभी सारे कार्ड जेन 4 में आ रहे हैं, तो जेन 4 वाला कोई भी कार्ड लगाओ, गुड टू गो। और प्रोडक्टिविटी के लिए तो जेन 3 वाला कार्ड भी चल जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो उसके बाद जो सीपीयू मैंने आपको सजेस्ट किया था एपीयू, ये है 5600G। इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे इसका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। 14 में 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू ऑन बोर्ड वेगा के साथ यूनिट, तो इससे बढ़िया सीपीयू अभी एपीयू कोई भी नहीं है, ना इंटेल में ना एएमडी में। तो 14,000 अगर आपका बजट है और अभी जीपीयू नहीं लगाने वाले या बाद में लगाने वाले हो, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है 5600G। अनडाउटेडली आँख बंद करके ले लो, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इंटेल के पास भी, ठीक है। अभी उसके बाद ये सीपीयू तो पिछले वीडियो में मैंने आपको लेने के लिए मना किया था क्योंकि इसकी प्राइस हाई है, अगर कम होती है 14,000 के आसपास होती है या उससे कम होती है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जहाँ तक गेमिंग की बात है। जेन 4 भी मिलेगी आपको इसमें, 5600G में जेन 3 है, ठीक है। तो ये वीडियो भी बना रखा था, सारी चीज़ें देखो और अपने हिसाब से भी डिसाइड करो। उसके बाद इसको लेने के लिए मना करके मैंने आपको Ryzen 5 5600 को लेने के लिए बोला था, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू है, गेमिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें भी जेन 4 मिलेगी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर सीपीयू है ना 5600, इसका सीधा सीधा कंपैरिजन होता है 12400F के साथ। बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरे को बोला कि सर उसको इंक्लूड करो। अब देखो मेरे भाई, दोनों ही ना सेम कोर काउंट थ्रेड काउंट वाले सीपीयू हैं, 6 कोर 12 थ्रेड है दोनों में। इसमें आपको जेन 4 मिलेगी, उसमें आपको जेन 5 मिल सकती है अगर आप हायर एंड जो चिपसेट है उसके साथ जाते हो तो, लेकिन वो सही डिसीजन नहीं होगा। आप बजट चिपसेट ही सिलेक्ट करोगे तो आपको उसमें जेन 4 ही मिलेगी, ठीक है ना। तो दोनों में जेन 4 है, दोनों में 6 कोर 12 थ्रेड है। तो आप गेमिंग की प्रोडक्टिविटी दोनों की बात करें तो दोनों में से आपका जो मन है ना वो ले सकते हो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको 1650 मिल जाता है, जो 12400F है वो इंडिया में अभी आपको 1550 से 1600 के बीच में मिल जाता है, ठीक है। तो वो सीपीयू थोड़ा सा सस्ता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन मदरबोर्ड थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो ओवरऑल वही कहानी बनती है, ठीक है ना। इसका ये सीपीयू थोड़ा सा महंगा है लेकिन चिपसेट सस्ता है, मतलब मदरबोर्ड सस्ता मिल जाएगा आपको B550 वाला, ठीक है। उसके साथ आपको B660 वाला मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा महंगा मिलता है कंपैरेटिवली, वो थोड़े से अभी भी 12 जेन के जो बजट जो मदरबोर्ड है, इवन हाई एंड मदरबोर्ड भी है, 12 जेन के मदरबोर्ड थोड़े से महंगे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको Ryzen 5000 के साथ जाने के लिए बोला था। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 12 जेन के 12400F के साथ भी जा सकते हो, बहुत अच्छा सीपीयू है, गेमिंग में तो इसको पीछे छोड़ देगा, प्रोडक्टिविटी में भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन आप स्ट्रिक्टली लिमिटेड बजट पे हो और एएमडी साइड सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके साथ भी B550 वाला मदरबोर्ड लगाओ, 10,000 के आसपास मिल जाएगा, बहुत बढ़िया सिस्टम बन सकता है। दोनों में ही आपको ग्राफिक्स कार्ड तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी अच्छा जेन 4 वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाओ एंड गुड टू गो। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा था इसके बारे में कि सर इसकी भी प्राइस ड्रॉप हुई है, इसके बारे में बताओ। तो ये अभी एएमडी का और इंटेल में दोनों की बात कर रहा हूँ, सबसे सस्ता ना 8 कोर 16 थ्रेड वाला सीपीयू है, और एपीयू है, इसमें ऑनबोर्ड जीपीयू भी मिलता है, लेकिन अभी आपको 22,000 की रेंज में 8 कोर 16 थ्रेड चाहिए तो इससे बढ़िया सीपीयू कोई नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो बाद में अगर आप ग्राफिक्स कार्ड ऐड करने वाले और आपको 8 कोर 16 थ्रेड में जाना है तो इसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन अगर हम 5600G के साथ करें तो डेफिनेटली वो विनर है, वो 6 कोर 12 थ्रेड में 7 यूनिट वेगा की 7 यूनिट के साथ इससे ज़्यादा परफॉर्म करता है प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि वो 14 मिल जाता है, ये देख लो 22 में है, तो प्राइस मतलब 33% प्राइस ज़्यादा है इसकी। तो प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं 5600G के साथ जाने के लिए बोलूँगा। अब बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसकी प्राइस भी ड्रॉप हुई है 5700X, 28 के आसपास लॉन्च हुआ था 28-29 में, लेकिन अभी ये 24 में मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर 8 कोर 16 थ्रेड में 65W TDP में इससे बढ़िया CPU अभी कौन सा है बताइए। तो 65W TDP में तो इससे बढ़िया CPU कोई भी नहीं है, लेकिन अब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप
22-23 के ऊपर आपका बजट है सीपीयू का, तो फिर आपको लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाना चाहिए। 7000 सीरीज़ में अगर हम बात करें तो 7600X के साथ जाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इससे बेटर परफॉर्म करता है जहां तक गेमिंग की बात है, और प्रोडक्टिविटी में भी वो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा है। तो ओवरऑल इसकी उसकी जो 6 कोर 12 थ्रेड है वो इसकी 8 कोर 16 थ्रेड को बीट कर देगी, और आपको लेटेस्ट जनरेशन मिल रही है, आपका जो फ्यूचर पाथ है वो भी खुला है। तो ओवरऑल मैं सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए उसके साथ जाने के लिए रेकमेंड करूँगा। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा था, क्योंकि ये बहुत महंगा रिलीज़ हुआ था, इस पर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि इसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कि 45 में मिल रहा था ना जब, तब मैंने वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों ने अभी एक दो दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया कि सर वो प्राइस कम हुई है, 34000 में मिल रहा है तो अब इसको लेना सही होगा, तो मैं अगेन कहूँगा कि नहीं, 34000 अगर आपका बजट है ना तो अनडाउटेडली इसके साथ जाओ, 7000 सीरीज़ का 7700X, 8 को 16 थ्रेड है, ये भी 8 को 16 थ्रेड है, इसमें कैश मेमोरी ज़्यादा मिलती है, गेमिंग में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इसके साथ जाओगे ना तो ये उसको पीछे छोड़ देगा गेमिंग में, प्रोडक्टिविटी हर एक चीज़ में, प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये विनर है। प्लस लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है, अभी का ही मदरबोर्ड खरीदोगे, आपके पास अगली जनरेशन में जाने के लिए एक ऑप्शन फ्यूचर पाथ खुला रहेगा अगर इसके साथ जाते हो, ये वाला या ये वाला भी, ठीक है। तो ये AM4 सॉकेट के लास्ट CPUs थे, इसके बाद आपको कोई भी अपग्रेड नहीं कर सकते आप, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज करना पड़ेगा। अगर इसके साथ जाते हो 34, ये देखो कितने का है, 34 का, ये भी 34310, मतलब 310 रुपये ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ जाना चाहिए तो ओवरऑल बेटर सिस्टम बनेगा। और फ्यूचर में अपग्रेड करना है, 8000 या 9000 सीरीज़ के भी CPUs लॉन्च होते हैं, तो उसके साथ जाके भी सिस्टम आप बना सकते हो उसी मदरबोर्ड के साथ, ठीक है। तो ये सारी बातों को कंसिडर करते हुए मैंने वीडियो बनाया, आपकी आपके क्वेश्चन भी सुने, और आई होप मैंने सबके क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया होगा, हर एक यूज़र को कवर किया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है, अभी ना बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन हो सकता है, ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा लंबा बन सकता है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तो आई होप कि मैंने सबके सवालों के जवाब दिए होंगे, लेकिन फिर भी कोई इश्यू है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। थैंक यू सो मच।